अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजिटल सर्किट मौजूद हो तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डिजिटल लॉजिक सर्किट हमारे पास मौजूद हो तो उसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और फिर इसके रिलेटेड यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। तो बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसके अंदर तीन इनपुट्स हैं, ए बी सी। तो जब भी हमने सर्किट डिज़ाइन करना है पहले तो हमने ये चेक करना है कि कितने इनपुट्स हैं, फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी डॉट सी हो रहा है, मतलब इस जगह पे एक एंड गेट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन उससे पहले ये भी हमने एनालाइज करना है के सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सी इनपुट के आगे एक नॉट गेट लगा होगा और उसके बाद जो बी इनपुट है उसके साथ एंड ऑपरेशन होगा, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो इनपुट ए है उसके साथ इसका और ऑपरेशन हो जाएगा और हमारे पास इस जगह पे आउटपुट आ जाएगी। और जब ये कंप्लीट काम हम कर लेंगे तो उसके बाद इसे हम डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करेंगे। तो अब इसकी जो इनपुट्स हैं वो तीन हैं, तो तीन इनपुट के रिलेटेड टोटल एट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट होगा 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 1, और इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो डिफरेंट इनपुट जब हम यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट चेक करते जाएंगे। अगर ये काम हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में करते हैं तो आप आउटपुट की जगह पे एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, वो इंडिकेटर अगर ऑन होगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट 1 होगी, और अगर वो इंडिकेटर ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आउटपुट 0 होगी। लेकिन ये इतना लेंथी काम करने की बजाय आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, आप लॉजिक कन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करके सिंगल क्लिक के साथ इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं, तो उससे कंप्लीट टेबल आपके सामने फिल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लैब टास्क है, इसके अंदर एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डॉट वाई बार, या इसको वाई कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसका हमने सर्किट डिजाइन करना है और उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो पहली चीज तो ये एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर इनपुट्स कितनी है। तो इसके अंदर दो इनपुट हैं, एक इनपुट वाई है और दूसरी इनपुट जेड है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी वाई इनपुट ही रिपीट हो रही है, तो इसको हम एज थर्ड इनपुट कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि ये दो ही इनपुट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज के इसको एनालाइज करना है कि इसका हम सर्किट किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो जो वाई इनपुट है इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगाना है, और नॉट गेट के बाद जो जेड इनपुट है उसके साथ इसका एंड ऑपरेशन हो रहा होगा इस जगह पे, और फिर उसके बाद वाई इनपुट से डायरेक्ट एक लाइन और गेट पे जाएगी, और जो इस जगह पे हमने एक एंड गेट लगाया होगा उसकी आउटपुट भी और गेट पे जाएगी, और वहां से हमारे पास एक्स आउटपुट के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस ट्रुथ टेबल को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे तो शायद आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि ये मैंने किस तरीके से बता दिया कि काम होगा। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे, वहाँ पे मैं आपको ये सर्किट डिजाइन कर सकता हूँ। जो सर्किट हमने डिजाइन करना था उसमें दो इनपुट्स थी, तो हम उसके लिए दो कनेक्टर अपने पास ले आते हैं और एक आउटपुट थी, तो एक आउटपुट कनेक्टर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और जो एक्सप्रेशन था हमारे पास वो था वाई प्लस जेड डॉट वाई बार, तो इस वाले इनपुट को मैं वाई का नाम दे देता हूँ और दूसरे इनपुट को जेड का नाम दे देता हूँ, और जो हमारे पास आउटपुट थी वो एक्स थी। वाई इनपुट पे पहले हम नॉट गेट लगाएंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, और इसके आगे एक एंड गेट होगा, इस नॉट गेट से हम एंड गेट को कनेक्शन दे देंगे, और दूसरा हम जो जेड इनपुट है हमारी यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। वायर्स को अगर आपने रूट करना हो तो अपना माउस इसके ऊपर लेके जाएं, इसे सेलेक्ट करें और इस तरीके से आप इसे रूट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, ये अब हमारे पास इससे एक्सप्रेशन आएगा जेड डॉट वाई बार। अब इससे आगे हमने एक और गेट लगाना है, तो और गेट मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, और इस एंड गेट की एक इनपुट मैं इस और गेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इस और गेट की दूसरी इनपुट वाई के साथ कनेक्ट करनी है, लेकिन वो नॉट गेट से पहले हमने कनेक्ट करनी है, और इस और गेट की जो आउटपुट है वो मैं इस एक्स आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये वो एक्सप्रेशन था जो कि हमें दिया हुआ था और इसके अकॉर्डिंग मैंने सर्किट डिजाइन कर दिया है। तो इस तरीके से एनालाइज करेंगे और सर्किट डिजाइन करेंगे, लेकिन
हम जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का, तो इसके अंदर आपको आसानी है, इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लॉजिक कन्वर्टर का, इसे ड्रैग करके अपने पास ले आए। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस जगह पे अगर आप देखें तो आपके पास एक एरिया मौजूद है जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसका आपको लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड हो, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देंगे और उसके रिलेटेड लॉजिक सर्किट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन लिखते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके अंदर जो हमने इनपुट मेंशन करनी है वो ए बी सी होगी। जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो इनपुट एक वाई है और दूसरी जेड है, तो वाई और जेड हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इनमें से आप कोई भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एक्सप्रेशन हमारे पास था उसके अंदर था वाई, तो उसकी जगह पे मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ। उसके बाद प्लस का साइन था, फिर जेड था, तो जेड हम नहीं लिख सकेंगे तो इसकी जगह पे हम बी लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका डॉट ऑपरेशन हो रहा था वाई बार के साथ, इस जगह पे आप डॉट नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट हम वाई बार की जगह पे ए बार लिख देंगे। तो ए और उसके बाद जो सिंगल कोट वाला साइन होता है कीबोर्ड पे वो प्रेस करेंगे, तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। ये एक्सप्रेशन आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये फिफ्थ ऑप्शन, इसका मतलब है कि हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उस बुलियन एक्सप्रेशन को हमने लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये लॉजिक सर्किट हमारे पास क्रिएट हो गया। इसमें अगर आप देखें लास्ट पे एक और गेट है जो कि हमने इस जगह पर लगाया हुआ है, उससे पीछे एक एंड गेट है जो कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, और उससे पीछे एक नॉट गेट है जो हमने इस जगह पर लगाया हुआ है। तो डायरेक्टली हम लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए अपना सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम यह था कि इस सर्किट का हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना था। तो ट्रुथ टेबल फाइंड करने के लिए इस सर्किट की इनपुट और आउटपुट लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट फर्स्ट दो ऑप्शन पे कनेक्ट कर दें, और उसके बाद जो इसकी आउटपुट है वो हम लास्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जिसके अंदर ये मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई लॉजिक सर्किट मौजूद हो तो उसका ट्रुथ टेबल क्रिएट किया जाए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका ट्रुथ टेबल आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क था जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टास्क है, इसके अंदर भी एक सर्किट है जो हमने डिजाइन करना है, और डिजाइन करने के बाद इसका हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे। ये पहले वाले सर्किट मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करते हैं और इसके अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन था वो लिख देते हैं। और इस दफा जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था उसके अंदर वेरिएबल ए और बी इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसके बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो एक्सप्रेशन था ब्रैकेट में ए डॉट बी लिखा हुआ था, तो आप ए बी लिख देंगे, डॉट इसके अंदर आप नहीं डालेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस का सिंबल और सी कॉम्प्लीमेंट ए और ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद हमने इस एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो ये फिफ्थ ऑप्शन है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका सर्किट क्रिएट हो जाएगा। अब इस सर्किट का हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है, तो इसकी जो इनपुट्स हैं वो पॉइंट ए बी सी पे हम कनेक्ट कर देंगे, और जो इसकी आउटपुट है वो हम आउटपुट वाले पॉइंट पे कनेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसका ट्रुथ टेबल हमारे सामने डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद टास्क नंबर थ्री है। इस टास्क के अंदर हमें इस सर्किट का एक्सप्रेशन नहीं बताया गया बल्कि जस्ट यहाँ पे एक सर्किट शो करवाया हुआ है। इस सर्किट के रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है और इसका ट्रुथ टेबल भी फाइंड करना है। तो उसके लिए मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे, इस सर्किट को वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई सर्किट हमारे पास मौजूद हो तो उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो इस पहले वाले सर्किट को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम तीन कनेक्टर ले आएंगे अपने पास, और एक आउटपुट के लिए हमें कनेक्टर चाहिए तो वो इस जगह पे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद जो हमें गेट रिक्वायर्ड थे, पहले एक नॉट गेट था, इस नॉट गेट के आगे एक एंड गेट था, एंड गेट के साथ एक और गेट था, और इसके आगे एक नैंड गेट लगा हुआ था। तो जल्दी से इनका कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये सर्किट हमारे पास डिजाइन हो गया। अब हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम लॉजिक कन्वर्टर को ही यूज करेंगे। सबसे पहले तो इस सर्किट का हम कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे लॉजिक कन्वर्टर के साथ, उसके बाद लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करेंगे। तो अब फर्स्ट काम हमने ये करना है कि इस सर्किट का हम ट्रुथ टेबल फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉजिक कन्वर्टर के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इस सर्किट से डायरेक्टली हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाए। तो
पहले इसका जब ट्रुथ टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें यह है कि अगर कोई ट्रुथ टेबल हमारे पास मौजूद हो तो उसका लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमारे पास एक लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये मेथड होता है कि अगर कोई सर्किट हमारे पास मौजूद हो तो उसका लॉजिक एक्सप्रेशन हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप इस जगह से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और सर्किट दिया हुआ है, इसका भी हमने लॉजिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है और साथ हम इसका ट्रुथ टेबल भी फाइंड करेंगे। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे, वहाँ पे मैंने यह सर्किट पहले से डिजाइन किया हुआ है। तो इस सर्किट का जस्ट कनेक्शन क्रिएट करेंगे लॉजिक कन्वर्टर के साथ और वहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लॉजिक कन्वर्टर को ले आएंगे और सिंपल कनेक्शन क्रिएट करने हैं। जो इनपुट ए बी सी हैं वो फर्स्ट 3 पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो आउटपुट है उसे लास्ट पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करेंगे, इस सर्किट का पहले हम ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे और यहाँ से हम फिर इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि इस जगह पे आपके पास शो हो रहा है अभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है कि ये एक और सर्किट है जिसको हमने डिजाइन करना है और इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि सर्किट को डिजाइन करेंगे और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी आउटपुट दो हैं। अभी तक हम जितने सर्किट पे काम करते हैं उनकी एक ही आउटपुट थी। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास दो आउटपुट आ रही हो तो इसके लिए हमें दो दफ़ा लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम एक आउटपुट के रिलेटेड उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और फिर सेकेंड आउटपुट के रिलेटेड उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे, वहाँ पे ये सर्किट भी मैंने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है तो जस्ट इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आउटपुट है उसका मैंने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है लॉजिक कन्वर्टर के साथ और उसके साथ ये तीन इनपुट मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। इस लॉजिक कन्वर्टर के अंदर आउटपुट के लिए जस्ट एक ऑप्शन है, तो सेकंड आउटपुट को हम इसके साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं कर सकते। पहले फर्स्ट आउटपुट के रिलेटेड हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये काम करना है कि इस आउटपुट को यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो सेकेंड आउटपुट है उसे कनेक्ट करने के बाद उसका एक्सप्रेशन भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये मेथड होता है अगर एक से ज़्यादा आउटपुट हो तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा दफ़ा लॉजिक कन्वर्टर को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उसके बाद ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिया हुआ है, इसका भी हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है और इसका ट्रुथ टेबल भी फाइंड करना है। तो ये सर्किट भी मैंने पहले से इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में डिज़ाइन किया हुआ है, तो जस्ट इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अगर आपको ये सर्किट डिज़ाइन करने में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस सर्किट के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। लेकिन बिल्कुल सिंपल से टास्क हैं जिसके अंदर ये बेसिक गेट्स हैं, एंड और गेट है और इसके साथ इस जगह पे नॉट गेट है, और इससे मिलती जुलती वीडियो हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर भी है तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सर्किट डिज़ाइन करने के बाद मैंने इनका कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। उसके बाद लॉजिक कन्वर्टर को हम डबल क्लिक करने के बाद रन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसके थ्रू इसका जो लॉजिक टेबल है या फंक्शनल टेबल या जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 5 इनपुट्स हैं तो 2^5 इज इक्वल टू 32, तो इस जगह पे जो हमारे पास ट्रुथ टेबल क्रिएट होगा उसमें टोटल 32 एंट्रीज होंगी। तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 31 तक यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है। उससे नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इसका एक्सप्रेशन जनरेट करना है, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करके अगर आपने किसी जगह पे पेस्ट करना है तो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टास्क नंबर 7 है जिसके अंदर हमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का हमने सर्किट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करूंगा और हम यहाँ पे लॉजिक कन्वर्टर को लेकर आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देना है। एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि एक्सप्रेशन का हमने लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसका एक लॉजिकल सर्किट आ जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।